नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती हैं। धनतेरस पर्व पर जबलपुर में बाजार गुलजार रहे। बाजारों में खरीदारी के लिए सुबह से लेकर देर रात तक लोगों की भीड़ उमड़ी। धनतेरस पर्व पर जबलपुर में बाजार गुलजार रहे। पौराणिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार लोगों ने शुभ मुहूर्त में जमकर खरीदारी की। सोने चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर वाहनों के शोरूम और बर्तनों की दुकानों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। पर्व को देखते हुए दुकानों में भी आकर्षक साज सज्जा की गई। धनतेरस पर हालांकि सुबह से बाजारों में भीड़ नजर आई, लेकिन देर शाम के बाद देर रात तक बाजारों में लोगों की आवाजाही देखने को मिली और लोगों ने जमकर खरीदारी की। आज धनतेरस है, बस उसी की खरीदी करने आए। बस थाली पूजा का सामान, अच्छा लगा हमेशा की तरह। आज मैं धनतेरस के पावन पर्व पर मैंने आज भगवान जी के लिए घंटी ली है और अभी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ जबलपुर का। अपने यहाँ बड़े फुहारा के यहाँ सराफा का बहुत सुंदर माहौल लग रहा है। सोने चांदी के बर्तन आभूषण या कुछ ऐसा लेने निकले हैं, बट भीड़ को देखते लगता है थोड़ा टाइम लग जाएगा। यदि कुछ हुआ तो सोने चांदी के साथ कुछ बर्तन भी ले लेंगे। जैसी मान्यता है कि सब लेने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, तो कोशिश यही रहेगा कि माता रानी को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की जाए। हमारा तो यही है कि गोल्ड खरीदें, अब इनके ऊपर है कि वो क्या दिलाते हैं। बाकी देखते हैं कि आगे देखते हैं कि बर्तन खरीदते, सोना गोल्ड खरीदते या सिल्वर खरीदते। बहुत अच्छा लग रहा है। हम इंदौर से आए हैं, हम इंदौर में रहते हैं। हम जबलपुर का मेन हमको मार्केट ही यही, हम शॉपिंग करने आते हैं। हम लोग अपने आभूषणों को अच्छे ढंग से शुद्धता के साथ तैयार करके ग्राहकों के लिए रखते हैं। उसको देखने के लिए शहर से दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हम लोगों में भी एक उत्सुकता बढ़ जाती है। लोगों के लिए भी यह है, सराफा में आना है, खरीदी करना है। हर साल की तरह साल भी लोगों में खुशी का माहौल है। दरअसल धनतेरस पर्व पर खरीदारी करने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक शुभ फल देती हैं। धनतेरस पर परंपरा अनुसार लोग पूजन अर्चन कर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करते हैं। पनागर विधानसभा के विकास के वायदे के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेश पटेल विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर प्रत्येक मतदाता से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद लेकर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। पनागर विधानसभा में कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है। पनागर विधानसभा के विकास और जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के वायदे के साथ पनागर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेश पटेल का धुआंधार जनसंपर्क जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता का आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों का भ्रमण किया और मतदाताओं का आशीर्वाद लिया। पनागर विधानसभा इस समय बहुत ही सरगर्मी है चुनाव को लेकर। यहां पर मुख्य रणनीति है, उस पर अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस और भाजपा के भीतर दोनों के आमने सामने का टकराव है। हमारे साथ हैं राजेश पटेल जी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बड़े लंबे समय से पनागर विधानसभा क्षेत्र में इनकी कई पीढ़ियों के साथ यहां पर रह रहे हैं। क्या मुद्दे लेके आप चुनाव मैदान में? भाजपा की 20 साल से सरकार, यहां भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के महापौर, भाजपा के पार्षद सब थे। अब एक साल से हमारे महापौर जी हैं और पार्षद जी हैं, बाकी विधायक नहीं हैं। निश्चित रूप से मैं जिन क्षेत्रों में घूम रहा हूँ अभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 20 साल से जैसा विकास अटक गया हो, रुक गया हो। निश्चित रूप से इन्होंने कुछ किया नहीं है, इन्होंने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है। राम मंदिर के नाम से
और मुस्लिमों के नाम से हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया है। अभी देखिए विधानसभा चुनाव थोड़ा शांति के साथ चल रहा है, जैसे ही 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव आएगा वानगी मिलने लग जाएगी, अभी बाकी लोग सब सबको डर लगने लग जाएगा, तो निश्चित रूप से ये बरगलाने का काम करने वाली पार्टी है, डराने वाली पार्टी है। और हमारे विधायक जी तो डर का वातावरण ऐसा बनाए हुए हैं, आम कार्यकर्ता जो है सामने निकलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आज बदलाव की बयार है पनागर विधानसभा में जो है, और पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव होगा और निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और पनागर में भी मुझे अपने बेटे के रूप में, विधायक के रूप में नहीं बेटे के रूप में वोट डालेंगे लोग और मुझे अपना बेटा चुनेंगे। मुख्य वादे बच्चों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, माताओं के, बहनों के, सबकी खुशहाली के वादे हैं। निश्चित रूप से 111 मुख्य बिंदु हैं माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र दिया है उसको लेकर के हम लोग जो है पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और पब्लिक हमें आशीर्वाद दे रही है और मन बना चुके हैं कि कमलनाथ जी को वापस मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि पिछली बार लूट खसूट कर करके इन्होंने जो राम मंदिर का पैसा जो इकट्ठा हुआ था उससे भी उन्होंने गुरेज नहीं किया और विधायकों को खरीद फरोख्त करके और सरकार बनाई, तो निश्चित रूप से जनमत की चोरी की है इन्होंने। तो जब जनमत की चोरी की है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो संविधान बदलने वालों को पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं और निश्चित रूप से सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। परिवर्तन की बयार है और मैं पनागर का बेटा हूँ, ये मुद्दा राजेश पटेल जी लेकर पनागर विधानसभा में है और पनागर के समुचित विकास और समग्र विकास की बात कह रहे हैं। पनागर विधानसभा के चुनावी रण में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है। हालांकि इस विधानसभा में 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें बसपा, आम आदमी पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी सहित अन्य दलों के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। निर्धारित मानक से अधिक क्षमता वाले पटाखे की बिक्री और उपयोग पर कार्रवाई के संकेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने दिए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और NGT के दिशा निर्देशों के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पटाखों की तीव्रता को मापा जा रहा है। जबलपुर में 5 अलग अलग जिलों से एकत्र किए गए पटाखों के सैंपल की तीव्रता की जांच का कार्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों की देखरेख में हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और NGT के दिशा निर्देशों के परिपालन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों की देखरेख में पटाखों की तीव्रता की जांच की जा रही है। जबलपुर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में आधुनिक उपकरणों से पटाखों की आवाज़ की तीव्रता को मापा जा रहा है। वैज्ञानिकों के द्वारा जाँच प्रतिवेदन बनाकर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि 5 जिलों से एकत्र किए गए पटाखों के तीव्रता का मापन बोर्ड कर रहा है। तय मानकों से अधिक तीव्रता वाले पटाखों के संबंध में जांच प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित जिले के विभागों के सुपुर्द किया जाएगा। ये प्रशिक्षण जो है कि इसका एक लेवल है, ये 125 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसमें जो भी इसमें मॉनिटरिंग में जो पटाखे के फूटने के बाद में जो रीडिंग आ रही है वो इसमें जो है मॉनिटर में आ रहा है और सबकी रिपोर्ट जो है उसमें नोट किया जा रहा है और जहां से जो पटाखे आए हैं उसकी जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है संबंधित विभाग में भेज दिया जाएगा। इसकी एक कॉपी जो है मुख्यालय भोपाल में भी प्रेषित की। हमको प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को पटाखों की तीव्रता मतलब उसकी कितनी आवाज़ होती है वो 125 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 3 मीटर दूरी पे, तो हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और ये ऑनलाइन डिस्प्ले से इसको टेस्ट कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम ये देख रहे हैं कि पटाखे जो भी आए हैं वो ग्रीन पटाखे हैं कि नहीं, उसे प्रॉपर व्यक्ति का नाम उसमें कंटेंट्स लिखे कि नहीं वो हम चेक कर रहे हैं। और इसकी हमारे ज़िले में मेरे क्षेत्र अंतर्गत 5 जिले हैं इसमें, तो 5 जिलों से सैंपल कलेक्टर और SP के माध्यम से हमने एकत्रित करवाए हैं और उसका टेस्टिंग करके हम रिपोर्ट भेजेंगे। यदि कोई मानक से अधिक पाया जाता है तो उसकी हम टेस्टिंग अकॉर्डिंगली कलेक्टर साहब को भेजेंगे कि ये दुकान का, ये फलाइन दुकान का सैंपल ज़्यादा आया है उसको प्रतिबंधित करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस कार्य के लिए अलग अलग जिलों से पटाखों के सैंपल एकत्र किए गए थे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत इन सभी सैंपलों की जाँच की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा पटाखों की बिक्री करने वालों पर सख्त निगाह रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों और अवैध रूप से विस्फोटक रखने वालों पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के बीच दीपावली का पर्व भी पड़ रहा है, ऐसे में तय मानकों से अधिक क्षमता वाले पटाखों की बिक्री, उपयोग और विस्फोटक अधिनियम का पालन कराना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव के बीच दीपावली का त्यौहार भी पड़ रहा है, ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का सख्ती से पालन कराना और तय मानक क्षमता से अधिक तीव्रता वाले पटाखों की बिक्री और उसके उपयोग पर पाबंदी लगाना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि पुलिस और प्रशासन द्वारा पटाखा दुकानों की समय समय पर जांच की जा रही है, साथ ही अवैध तरीके से पटाखों के भंडारण और बिक्री करने वालों पर भी नज़र रखी जा रही है। इस संबंध में एएसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि पुलिस और प्रशासन विधानसभा चुनाव और त्यौहार को लेकर पूरी तरह सतर्क है, अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक विस्फोटक की बात है तो सारे मैगजीन को एसडीएम और एसडीओपी के द्वारा हर त्रैमासिक में चेक किया जाता है, क्योंकि चुनाव है इसलिए विशेष तौर से मैगजीनों को चेक किया गया है। जिनके भी द्वारा इसका नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो विस्फोटक अधिनियम के तहत उसमें कार्रवाई की जाती है, और लगातार हम इसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देश भी दिए हैं, और लगातार हमारी जो पुलिस पेट्रोलिंग मोबाइलें हैं वो घूमती भी रहती है और वहाँ पर सुरक्षा के भी साधन रखे गए होते हैं। तो जो भी नियम के खिलाफ काम करता है उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई भी। कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से विस्फोटक का संग्रहण करता है, यूज करता है या गलत ढंग से परिवहन करता है तो विस्फोटक अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और FIR दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट दर्ज की जाती है, और इसके लिए हम सजग हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भंवरताल में 7,09,00,000 की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार हो गई है, लेकिन इसके संचालन को लेकर टेंडर प्रक्रिया में देरी के चलते अभी भी बीच सड़क पर चार पहिया वाहन पार्क हो रहे हैं। इसके वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीच सड़क में चार पहिया वाहनों की कतारें लग रही हैं। शहर में वाहनों से लगने वाले जाम और पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भंवरताल में 7,09,00,000 की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी के चलते अभी भी सड़क पर वाहन पार्क हो रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि मैकेनाइज्ड सिस्टम से 6 लेवल में बनी इस पार्किंग स्थल में 100 कारें पार्क की जा सकती हैं। पार्किंग के टेंडर प्रक्रिया के बारे में बात करने से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जिम्मेदार अधिकारी चुनाव का हवाला देकर बचने का प्रयास कर रहे हैं। मदन महल दमोनागा फ्लाईओवर के बेतरतीब निर्माण और यातायात पुलिस की गैर मौजूदगी के चलते रानीताल चौराहे पर रोजाना वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। जाम के जंजाल में फंसने के कारण किसी को ऑफिस जाने में देरी हो रही है तो कहीं आम जनता त्रस्त है। ऑफिस टाइमिंग हो या बच्चों के स्कूल जाने का वक्त, शहर की सड़कों पर जरा सी दूरी तय करने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। रानीताल चौराहे पर फ्लाईओवर के बेतरतीब निर्माण और यातायात पुलिस की गैर मौजूदगी के चलते रोजाना हजारों लोग जाम में फंस रहे हैं। इस चौराहे पर सड़क का एक हिस्सा लंबे समय से बंद पड़ा है, जिस कारण सड़क के दूसरे हिस्से पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। जाम में फंसे लोगों का कहना है कि यातायात पुलिस शहर का ट्रैफिक संभालने के बजाय चालान काटने में व्यस्त हैं। घंटों जाम में फंसने के कारण यातायात का टाइम तो बढ़ता ही है, साथ में फिजूल में ईंधन का खर्च भी बढ़ रहा है। जबलपुर का हाल बहुत बुरा हाल है। इस समय त्यौहार मनाने के लिए पैसा नहीं है और रोड पर चलने की जगह नहीं है। ना पैसा है ना रोड पर चलने के लिए जगह है। पुलिस तो चुनाव के चक्के में लगी हुई है भैया। कितनी देर से फंसे हुए आप जाम? ये कम से कम 15 मिनट हो गए यहाँ पे मेरे को। 15 मिनट हो गए। सभी कहीं भी चले जाओ, आज पूरे जबलपुर में यही अपनी स्थिति बनी हुई है। 15 से 20 मिनट हो रहा है, चारों तरफ JCB लगा के पूरा अव्यवस्था फैला दी है। तो जबलपुर के इस इलाके की हालत ऐसी कि पूरे जबलपुर की हालत ऐसी? रानीताल चौक तो खासकर यहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई है पूरी। और पुलिस प्रशासन यहाँ लगा हुआ है? यातायात प्रशासन कोई कहाँ दिख रहा है आपको, बताइए ना। कोई पुलिस प्रशासन यातायात को संभालने वाला कोई नहीं है।
अगर एक घंटे जाम में फंसे तो कितना फ्यूल वेस्ट होता है गाड़ी? एक घंटे में कम से कम आधा से एक लीटर पेट्रोल खराब हो जाता है। यातायात को सुचारू रूप से करने के लिए नगर निगम को ध्यान रखना चाहिए। ये ब्रिज बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, मगर यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। त्योहार के चलते सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, लिहाजा यातायात पुलिस को चालानी कार्रवाई की बजाय शहर के ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही नगर प्रशासन को रानीताल चौराहे के बंद मार्ग को जल्द खोलने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ट्रेनों में यात्रियों के सामान की चोरी करने वाले आदतन अपराधी को रेल पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। मानिकपुर के रहने वाले इस शातिर अपराधी से पुलिस ने पूर्व में घटित हुए चोरी के एक मामले का माल भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का न्यायालय ने वारंट भी जारी किया था। ट्रेनों में यात्रियों के कीमती सामान पर हाथ साफ करने में माहिर एक आदतन अपराधी विक्रम नामदेव को रेल पुलिस जबलपुर की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूर्व में घटित हुई एक चोरी का माल भी पुलिस ने जब्त किया। रेल पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक विक्रम नामदेव के विरुद्ध न्यायालय से वारंट भी जारी था और लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी। ये मूलतः मानिकपुर का रहने वाला है। जैसे पकड़ा गया और जिससे हमने दो सोने की अंगूठी कीमत लगभग 38,000 रुपये का सामान बरामद किया है और ये पूर्व से ही अपराधी है और आयतन अपराधी है। ट्रेनों में चोरी करना ही इसका काम है और इसको हमने पकड़ कर न्यायालय पेश किया है। पुलिस ने चोरी के अन्य मामलों में आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। गढ़ा बाजार में विगत दिवस चोरों द्वारा दुकानों के ताले तोड़े जाने और चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने की घटना के सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। एक ही रात में मेडिकल स्टोर सहित क्षेत्र और अन्य दुकानों के ताले तोड़े जाने की घटना से व्यापारी दहशत में है। व्यापारियों की माने तो अब तक पुलिस चोरों का सुराग भी हासिल नहीं कर सकी है। गढ़ा बाजार में स्थित एक मेडिकल स्टोर सहित अन्य दुकानों के ताले टूटने और चोरी की वारदात होने के वीडियो सामने आए हैं। एक ही रात में क्षेत्र की 7 दुकानों के ताले टूटने की घटना से व्यापारी दहशत में हैं। व्यापारियों की माने तो सीसीटीवी कैमरे में वारदात को अंजाम देने वाले 6 संदेही कैद हुए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। मोटरसाइकिल पर आए इन अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। व्यापारियों ने घटना की शिकायत गढ़ा थाने में दर्ज कराई है और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं। छह लोग 2 मोटरसाइकिल पे आए, जिससे 2 मोटरसाइकिल पे ही बैठे रहे और 4 लोग उतर के नीचे आए, जिसमें एक लड़की प्रतीत हो रही थी और 3 लोग जेंट्स थे। उन्होंने आके सब बल से शटर के बीच में फंसा के उठाया और उसके बाद अंदर आए और 2 कैश वाली ड्राइव दौड़ कर लगभग 3,000 रुपये की सिक्के चिल्लर, 4,000 रुपये के नए नोट जो भगवान के पास रखे थे वो, और 5-6 चांदी के सिक्के, ऐसे मिला के करीब करीब 10-15,000 रुपये का नुकसान हुआ है। कितनी दुकानों को नुकसान हुआ? गढ़ा से लेके पेशनहारी की मड़िया तक लगभग 7 दुकानों को पुलिस। हालांकि इस वारदात से इलाके के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन पुलिस अब तक चोरों का सुराग हासिल नहीं कर सकी है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।